नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे अरहर, अरंडी, लहसुन, गेहूं, आम, प्याज और कोको की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आपको मंडी खबर में हम बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आज नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। मिले जुले रुख के साथ हुआ अरहर का कारोबार, मंडियों में आवक रही सामान्य। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं अरहर के बाजार से। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। मंगलवार को अधिकांश मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके भाव की करें तो 21 जून को अधिकांश मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव उतरते चढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुई। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 20 जून को अरहर का भाव रहा 5,200 रुपए, जो कि 21 जून को 100 रुपए बढ़कर 5,300 रुपए हो गया। यहीं की धोराजी मंडी में मंगलवार को अरहर का कारोबार 5,580 रुपए पर हुआ। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 4,300 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 20 जून को अरहर का भाव रहा 6,500 रुपए, जो कि 21 जून को 50 रुपए टूटकर 6,450 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छा इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जाना आपने अरहर के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। आवक जो है एक तरफ सामान्य है, तो कई जगह जो भाव है उसमें उतार चढ़ाव भी देखा गया। वहीं दूसरी तरफ अगर उपज की हम बात करते हैं, पैदावार को अगर देखा जाए, तो उसमें इजाफा होने की संभावना जताई गई है, जिसके जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो बाजार है इसके जरिए प्रभावित होता नजर आएगा। लेकिन ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि जो किसान हैं वो लगातार बाजार पर नज़र बनाए रखें, और बेहतर भाव अगर आपको लगता है तो आप बाजार का रुख कर सकते हैं। और आइए अब हम भी यहाँ रुख कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी सुर्खियों की तरफ। गुजरात की मंडियों में रही अरंडी की आवक, धोराजी मंडी में 7,180 रुपए प्रति क्विंटल रहा भाव। और लहसुन की पैदावार में बढ़त अनुमानित, लखीमपुर मंडी में 3,610 रुपए दर्ज किया गया भाव। और आइए अब बात कर लेते हैं अरंडी बीज की भी। जो यहां मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में अरंडी के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरते भी नजर आए। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सीमित बनी हुई है। 21 जून को दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात की अगर बात की जाए, तो यहां मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। अरंडी के बाजार में फिलहाल क्या हलचल बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इन दिनों
कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात की ही मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। 21 जून को अरंडी के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे। बात अरंडी के हाजिर भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 20 जून को अरंडी का भाव था 7,105 रुपए। 21 जून को इसके भाव में 75 रुपए की मजबूती आई और भाव 7,180 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की देहगांव मंडी में अरंडी के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 20 जून को अरंडी का भाव रहा 7,227 रुपए। 21 जून को इसके सौदे 95 रुपए लुढ़क कर 7,132 रुपए पर हुए। हालांकि जम्बूसर मंडी में 20 जून को अरंडी का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 21 जून को 200 रुपए टूट कर 5,800 रुपए हो गया। गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी में भी अरंडी के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 21 जून को अरंडी का भाव 8 रुपए की कमजोरी के बाद 7,250 रुपए से 7,242 रुपए हो गया। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में इस साल खरीफ अरंडी की उपज में 1,41,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,06,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की उपज 16,47,000 टन रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डाले तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। तो अरंडी बीज की अगर बात की जाए, जिसे तिलहनी कृषि जिनसों में हम देखते हैं, तिलहन की अगर हम बात करते हैं तो इस बार यहाँ पर रिकॉर्ड उपज का अनुमान है, लेकिन वहीं अरंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ उपज में कमी के संकेत जो हैं वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो हमने देखी किस तरीके से जो हाजिर और वायदा बाजार में बनी हुई है, लेकिन खासतौर से अगर आने वाले समय की बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही जो उपज का अनुमान आता है वो प्रभावित करता है बाजार को, और अभी जो स्थिति बनी हुई है अगर उपज कम होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो मांग है वो निकलती हुई नजर आ सकती है, और ऐसे में भाव को भी सहारा मिलेगा और किसानों के लिहाज से ये बेहतर स्थिति, अगर उन्हें लगता है कि आने वाले समय में और बेहतर भाव मिल सकते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें किसान और उसी वक्त बाजार का रुख कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम्बी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो यहाँ मौसम्बी का भाव रहा 7,250 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,200 रुपये क्विंटल, और उत्तर प्रदेश की ही गाजीपुर मंडी यहाँ भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे लहसुन और साथ ही साथ दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की। फिलहाल आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी, जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे गेहूं के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं लहसुन के बाजार का। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है।
मंगलवार को अधिकांश मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में जो भाव हैं चढ़े भी तो कुछ में उतरते भी नजर आए। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही। मंगलवार को अधिकांश मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में घटे। बात इसके हाजिर भाव की करे तो एग्मार्केट के अनुसार पंजाब की जलालाबाद मंडी में 20 जून को लहसुन का भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 21 जून को 500 रुपए की कमजोरी के बाद 2000 रुपए के स्तर पर आ गया। राजस्थान की बात करें तो यहां की कोटा मंडी में 21 जून को लहसुन की खरीद फरोख्त 1800 रुपए पर हुई, जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में मंगलवार को लहसुन का कारोबार 2250 रुपए पर हुआ। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की लखीमपुर मंडी में 20 जून को लहसुन का भाव रहा 3620 रुपए, जो कि 21 जून को 10 रुपए टूटकर 3610 रुपए हो गया। राज्य की ही बिजनौर मंडी में 21 जून को लहसुन का भाव 10 रुपए बढ़कर 3660 रुपए से 3670 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2020-21 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 260,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन रहा था। बता दें कि साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। तो जाना आपने लहसुन के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, खासतौर से अगर इसके निर्यात की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी कमी जो है वो निर्यात में फिलहाल नज़र आ रही है, लेकिन उपज की अगर हम बात करते हैं तो करीब 2,00,000 टन का इजाफा जो है इस बार इसकी पैदावार में देखने को मिल सकता है। और जाहिर तौर पर ऐसी जब स्थिति आती है, क्योंकि निर्यात में हमने देखा कुछ कमी आई है और उपज अगर ऐसे में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक सीमित दायरा जो है वो बाजार में नज़र आ सकता है। ऐसे में किसानों को अगर लगता है कि अभी अगर बेहतर भाव बने हुए हैं तो आप अभी भी बाजार का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में और ज़्यादा, क्योंकि उपज का जो अनुमान है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में एक नरमी जो है वो कहीं ना कहीं भाव में नज़र आ सकती है, एक सीमित दायरा रहेगा। और उस स्थिति से बचने के लिए अगर आप किसान चाहें तो अभी के समय थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो कम नज़र आ रही हैं कि जो एक तेज़ी है वो उसके भाव में नज़र आ सकेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अनार का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर खासतौर से यहाँ बात की जाए हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 14,000 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी, यहां भाव रहा 6,700 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो यहां भाव रहा 6,540 रुपये क्विंटल। आपको भाव में थोड़ा सा अंतर यहाँ नज़र आता होगा, जिस वजह से आप बताते हैं लगातार ही कि जो भाव हैं ना सिर्फ आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और आइए अब आपको बताते हैं अनार के बाद तरबूज का भाव क्या है अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ तरबूज का भाव रहा 1,300 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 600 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 510 रुपये क्विंटल, जबकि यहीं की सिरसागंज मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 580 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गेहूँ के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में गेहूँ की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार की अगर बात की जाए तो दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश के अधिकांश मंडियों में गेहूँ बिकवाली के लिए पहुँचा। वहीं इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग्मार्केट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,232 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की कुशनेर मंडी, यहां भाव रहा 1,890 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां गेहूं का भाव रहा 2,020 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए लखीमपुर मंडी की, तो यहां गेहूं के सौदे 2,015 रुपये क्विंटल पर हुए। वहीं गेहूं की पैदावार पर नज़र डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 10,64,41,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज 10 करोड़
95,90,000 टन रही थी, यानी साल रबी गेहूं की पैदावार में 31,49,000 टन की कमी नजर आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। लगातार जो परिस्थितियां सामने बनी हुई हैं वो हमने आपको बताई, किस तरीके से जो गेहूं की उपज की अगर बात की जाए तो फिलहाल उपज में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण स्थिति ये कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर लगातार हमने देखा अलग अलग मंडियों में जो गेहूं के सौदे हैं वो होते हुए नजर आए, और इसके साथ ही किसानों को लाभ मिला सरकारी खरीद का। जी हाँ, अलग अलग राज्यों में सरकार की तरफ से जो खरीद की गई गेहूँ की उसका भी लाभ अभी तक काफ़ी जो किसान है उनको मिल पाया है। इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आम और इसके साथ साथ प्याज साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम, हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060, 1800-11-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं आम के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहां पर आम का भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आम का भाव रहा 2,250 रुपये क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहां आम का भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। आम की पैदावार पर नज़र डालें तो इस साल घरेलू स्तर पर आम की अच्छी पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश में कुल आम की पैदावार 2,08,22,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की अगर बात की जाए तो इस दौरान आम की उपज आप देख सकते हैं ये 2,03,17,000 टन ही रही थी। यानी इस बार जो इजाफा है वो इस बार हो सकता है साल देश में आम की पैदावार में 5,00,000 टन से ज़्यादा की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि भारत विश्व में आम के गुदे का प्रमुख निर्यातक है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2020 और 21 के दौरान 714.41 करोड़ रुपये यानी 96.43 मिलियन अमरीकी डॉलर की कीमत का 98,369.74 मेट्रिक टन आम गुदे का निर्यात किया है। तो लगातार जो फ़ायदा है वो अभी तक कहीं ना कहीं आम के किसानों को मिला है, बागवानी से जो जुड़े हुए हैं, और ख़ासतौर से एपिडा की तरफ से भी जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं उनके अनुसार भी आपने देखा, ख़ासतौर अगर गुदे की बात की जाती है जिसका निर्यात किया जाता है, कई उत्पाद जो हैं इसके ज़रिए तैयार किए जाते हैं, और लगातार जो किसान हैं उनको भी यहाँ पर जो फ़ायदा है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भिंडी का भाव क्या दर्ज हुआ देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की सूरत मंडी की तो आप देख सकते हैं यहाँ भिंडी का भाव रहा 2,375 रुपये क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 4,250 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही पंजाब की गढ़शंकर मंडी यहाँ भाव रहा भिंडी का 1,700 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 1,140 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब भिंडी के बाद नज़र डालते हैं खीरे के बाजार भाव पर भी, अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति रही ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर सूरत मंडी की हम बात करें, जी हाँ गुजरात की मंडी, और यहाँ पर खीरे का भाव रहा 1,400 रुपये क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल, तो पंजाब की गढ़शंकर मंडी में खीरे का भाव रहा 1,200 रुपये क्विंटल। और बात अगर करें उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी की तो यहाँ खीरे का भाव रहा 1,180 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं प्याज के बाजार पर भी। प्याज की अगर खासतौर से बात की जाए तो कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को प्याज की आवक सामान्य दर्ज की गई।
वहीं इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहां प्याज की खरीद 1,150 रुपए क्विंटल पर हुई। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो प्याज का कारोबार यहां 700 रुपए क्विंटल पर हुआ। और आखिर में उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो यहां भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। प्याज की पैदावार की अगर बात की जाए तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में प्याज की उपज बीते साल से 7 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020 और 21 में प्याज की कुल उपज का आंकड़ा आप देख सकते हैं, ये करीब 2,68,30,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जो पैदावार हुई थी उसका आंकड़ा भी आप देख पा रहे होंगे, ये 2,60,91,000 टन दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में भी इस साल 5% का इजाफा दर्ज किया गया है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 11 महीनों के दौरान अगर सब्जियों के कुल निर्यात को देखें तो ये करीब 21,01,000 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20,94,293 टन का ही हो सका था। यानी सब्जियों के निर्यात में जो इजाफा है वो यहां पर देखने को मिला है। और खासतौर से प्याज के बाजार की भी अगर बात की जाए तो जाना आपने किस तरीके से कहीं ना कहीं जो उपज है वो इस बार ज़्यादा रह सकती है, और किसानों के नज़रिए से अगर देखा जाए अच्छा मौका उनके पास, अगर वो लंबी अवधि के हिसाब से भी देखते हैं तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोको की, जो कि एक नकदी फसल है। भारत के किसान कोको की खेती नारियल, सुपारी और पाम की खेती के साथ भी करते हैं। भारत में कोको की खेती खासतौर पर केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में की जाती है। वहीं साल घरेलू स्तर पर कोको की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कोको के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर कोको की उपज 27,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल आप देख सकते हैं इस दौरान कोको की पैदावार महज 26,000 टन ही हो पाई थी। यानी इस साल कोको की उपज में करीब 1,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं कोको के निर्यात की अगर बात की जाए तो वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2020 और 21 के दौरान करीब 1,108.38 करोड़ रुपए और 149.78 मिलियन अमरीकी डॉलर की कीमत की करीब 25,768.07 मेट्रिक टन कोको की वैश्विक बाजार में इसका निर्यात किया है। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका, तुर्की, इंडोनेशिया, ब्राज़ील के अलावा दूसरे कई देशों में साल 2020 और 21 के दौरान कोको का निर्यात किया। तो जाना आपने किस तरीके से ना सिर्फ जो निर्यात है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, बल्कि जो उपज है वो भी ज़्यादा रह सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत माना जा सकता है, क्योंकि एक मांग जो है वो निकलती आ यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर चाहे अमेरिका की हम बात करें, तुर्की की बात की जाए, इंडोनेशिया की बात की जाए, इसके अलावा भी कई और दूसरे देश हैं जहाँ पर कोको का निर्यात किया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आलू का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की सूरत मंडी की तो यहां आलू का भाव रहा 1,425 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी, यहां भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहां भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिन्सों के बाजार भाव की स्थिति क्या बनी हुई है और आने वाले समय में जो बाजार है वो किस रफ्तार से या किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है अगर किसानों को इस बात की जानकारी पहले से हो जाती है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव जानने में मंडी खबर के जरिए मदद मिल रही होगी। आपको बता दें अब ये सारी जानकारी जो है आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां अलग अलग कृषि जीन्सों के बारे में सारी जानकारी मंडी खबर के साथ आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मंडी खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।